हेलो दोस्तों, मेरा नाम रजत है और आप देख रहे राइड विद बाइक। तो दोस्तों, ये वीडियो 1K स्पेशल होने वाला, 1K सब्सक्राइबर होने के लिए स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी मैं जहाँ पे हूँ ये है वेस्ट बंगाल, अभी हम जाने वाले झारखंड, और यहाँ से जहाँ पे जाने वाले 150 से 200 किलोमीटर का डिस्टेंस पे। तो अभी हम लाइट को खुलवा रहे हैं क्योंकि हमें कोई रिक्स नहीं चाहिए, लोकल वगैरह में तो संभाल लेंगे, थोड़ा बाहर जाना तो ये लाइट आई कैचिंग हो जाता है, यहाँ पे बहुत सारा लाइट हो जाता है, आप देख सकते हैं। तो ये लाइट खुलवाने के बाद हम निकलने वाले। तो भाई, घर से निकले थे 7:30 बजे, तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो अभी हम रुके हैं अंडाल मोड़ पे, और यहाँ आते आते 8:30 बजे के लगभग हो गया है। तो अभी हम खा रहे हैं कचौड़ी और छोला, और भाई भी खा रहा है वही सेम चीज, दो दो कचौड़ी और छोला हम लोग खा रहे हैं। खा के उसके बाद आगे का आपको वीडियो दिखाते हैं। पहुंच गए चंदामुड़ में, अभी बज चुका है 9, अभी 9 बज चुका है, और जा रहे थे उस जगह का नाम है तिलावनी वेस्ट बंगाल में, और अभी हम पहुंच जाने वाले देवघर झारखंड में। तो अभी हम यहाँ पे एक दोस्त के लिए रुके हुए हैं, तो मेरे बाइक पे मैं और संदीप भाई है, जो जिसका मैंने कोल माइन में इस भाई का वीडियो भी आया हुआ था जिसमें मेरे नाम नहीं बताया था, तो आपको इस वीडियो में उनका नाम भी पता चल गया, तो उसमें कुछ रीज़न की वजह से नहीं बता पाया था। तो अभी हम और संदीप इस बाइक से, मेरे अपाची बाइक से जाने वाले, और पंकज जाने वाला R15 V3 से जाने वाले। गुरु क्या है, गुरु क्यों लेट किए भाई, क्या लेट हुआ भाई? ये स्पेशल आदमी भाई, इसी के लिए हम लोग आधा घंटा से यहाँ वेट कर रहे हैं। ये है पंकज भाई, ये है संदीप भाई, और ये हूँ मैं। अब हम तीनों जाने वाले कहाँ? लद्दाख नहीं जाने वाले, देवघर जाने वाले झारखंड में त्रिकुट पहाड़ पे। तो चलिए अब चलते हैं, यहाँ से बच गया है 9:30 के आसपास हो गया है, भाई के लिए आधा घंटा वेट कर लिए कोई बात नहीं, स्पेशल आदमी है, जा नहीं रहा था फिर भी हम लोग ने इसे मनाया है। चलो भाई, अब इसके करने ये करने के लिए रुकेंगे, उसके बाद सीधा निकलेंगे। भाई झारखंड में एंट्री हो गया हमारा, ये रूपनारायणपुर था, यहाँ पे झारखंड का बोर्ड था, अब यहाँ से हम झारखंड में पूरे तरह से एंट्री है। चेक पोस्ट ये है जामताड़ा का चेक पोस्ट क्रॉस कर गए हैं। तो भाई हम है बाइक से पर इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन का, ट्रेन से जाना नहीं है, ट्रेन को क्रॉस करने के बाद ही हम जाएंगे। ये भाई थक गया क्या? तो उदास क्यों है? हाँ देख लीजिए चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा। जैसा देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा ऑफ रोडिंग भी है, मतलब घर से हमें यहाँ पे आने में हाईवे तो आपको सही मिलेगा, पर झारखंड में आपको कहीं कहीं पे बढ़िया मक्खन वाले रोड मिलेगी, पर मैक्सिमम जो रोड है इस तरह का है, कीचड़ वाला टूटा फूटा इस तरह का है, जिससे के वजह से थोड़ा लेट भी होगा, और लेट हो भी रहा है हमारा। तो भाई लोग देख रहे हैं, इसके लिए हमने 200 किलोमीटर राइड किया है ये पहाड़ के लिए, ये देवघर झारखंड में पड़ता है, त्रिकुट पहाड़ का नाम है। तो यहीं पे हम आए हैं, वेस्ट बंगाल से झारखंड में आए हैं, तो भाई यहीं पे हमें जाना है अभी। तो ये थोड़ा मैं दूर में खड़ा हूँ, बाकी इसी पहाड़ पे जाना है, और ये बसंत हमारे साथ आ चुका है, तो ये मेरा एक दोस्त है देवघर का, तो यही गाइड करेगा और रास्ता यही दिखा रहा अभी, तो इसको मैंने अपने बाइक पर ले लिया है। बाकी 4 लोगों के पहले 3 थे, मैं, संदीप, पंकज, और अब आ गया है बसंत भाई, तब 4 लोग जाएंगे घूमने। क्या हाल है भाई? भाई विश्वास नहीं कर रहा था कि हम आने वाले हैं,
इसको विश्वास नहीं था, ये सोच रहा था मजाक कर रहे हैं। तो चलिए अब चलते आ गए। तो भाई लोग 200 किलोमीटर राइड करने के बाद अभी हम पहुंचे त्रिकुट पहाड़ पे। तो यहाँ से अब एंट्री चालू है। चल, तो ये रहा एंट्री, त्रिकुट पहाड़ प्रवेश द्वार। और ये पहाड़ कम से कम चार से पाँच किलोमीटर लंबा चौड़ा में ये बना हुआ है। हम इसको कब से देखते आ रहे हैं पर ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। और इधर भी आप देखेंगे यहाँ तक गया हुआ है ये, मतलब काफ़ी लंबा चौड़ा बड़ा सा पार्क है। और आई थिंक देवघर का ये सबसे बड़ा पार्क है ना भाई? ये रहा सीन। ओहो, यहाँ तक देखिए, जहाँ तक देखेंगे पहाड़ ही पहाड़। आप भी आइए और चढ़िए इस पे, हम भी चढ़ने वाले हैं। चढ़ने का आनंद ले और आनंद ले और उसका जो मजा है वो ले। अब भाई खाने का कहाँ है? चल भाई, मिलेगा आगे। आगे में खाने का। और यहाँ पे आप देखेंगे छोटा सा एक घर भी है। ये सब चढ़ के जाने के लिए आप चढ़ के जा सकते हैं। मैं आया हूँ देवघर 8 साल बाद। 2012 में मैं यहाँ रहता था। 2010 से 2012 तक मैं यहाँ पे रहा था। 10 का एग्ज़ाम पास करने के बाद 11-12 का पढ़ाई मैंने यहीं से किया था। तो 8 साल के बाद आ रहा हूँ, बहुत कुछ चेंज है। पर मैं उस टाइम यहाँ पे नहीं आया था। उस टाइम ये पता चला था कि यहाँ पे कुछ इस तरह का घूमने का है 2012 में। पर उसके बाद तो मैं यहाँ से, मेरा अलविदा हो गया था, पढ़ाई कम्प्लीट, तो मैं घूम नहीं पाया था। तो अभी हम 8 साल बाद इस सपने को पूरे करने वाले हैं। 8 साल के बाद हम यहाँ पे आए। अब ऐसा मुझे फील हो रहा है, वाह मजा लग रहा है भाई। ये देखिए अब डाउन में है और ऐसा लग रहा है कि हम नज़दीक जा रहे हैं और पहाड़ दूर होते हुए चला जा रहा है। मतलब रोड डाउन में है और पहाड़ नज़दीक आ रहा, पर ऐसा लग रहा सीन आ रहा है कि पहाड़ घिसकते जा रहा, दूर जा रहा। अब शायद बाइक पे चढ़ के आया हूँ इतने टाइम से, इसलिए या रियल में ऐसा लग रहा, क्योंकि बाइक चल रहा है और रोड भी नीचे है और वैसा फील लग रहा है कि पहाड़ ही पीछे हो रहा है। तेरे को भी लग रहा क्या यार? ऐसा लग रहा है कि पहाड़ तो पीछे जा रहा है? ऐसा तो बिल्कुल महसूस हो रहा है ना, भागता जा रहा। हाँ, क्योंकि जितना नज़दीक पहुँचे भागता जा रहा। पर ये सही में हो रहा है इसलिए क्योंकि भाई हम लोग नज़दीक पहुँच रहे और हमारा सर धीरे धीरे ऊपर हो रहा है, यानी पहाड़ दूर जा रहा है, नहीं पहाड़ नज़दीक में ही है। तो अब आ गए हैं एंट्री, बाइक एंट्री बंद इधर, बाइक एंट्री इधर, मोटरसाइकिल स्टैंड। चलिए भाई त्रिकुट पहाड़ मोटरसाइकिल स्टैंड में बायां घूमिए और इधर चढ़ा दीजिए आराम से, प्यार से, मस्त भाई। आगे उधर उधर छाया में लगाइए भाई। ये पहाड़ पे आ गए हैं, पहाड़ का मजा लेंगे, पहले पेट पूजा भाई। ये रहा बाइक, खा के तब चलेंगे। आते आते तो हालत ख़राब हो गई भाई। मेन राइडर हमारे यही है, हेलमेट खोल के एक बार चेहरा। मेरा पाची बाइक पे मैं पीछे बैठा था, वहाँ से वीडियो बना रहा था और संदीप भाई राइड कर रहा था। और अभी हम जब यहाँ पे आए बसंत को जब मैंने बैठाया तो मैं अपना बाइक ही अपाची पे था। और उसके बाद अभी पंकज के बाइक पे भी संदीप है, तो मेन राइडर यही कहलाएंगे भाई। 200 किलोमीटर का राइड किए, कैसा लग रहा भाई? थकान लगा? अब पहाड़ पे आके मजा लग रहा है, मस्त। थोड़ा थकान है भाई, अब थोड़ा पेट पूजा हो जाए उसके बाद चलते हैं। भूख लगा भाई। तो चारों यही है, हम लोग तो हम ये घर से निकले थे, पंकज जमुड़िया से आया, ये भाई देवघर का यहीं का है। अच्छा। और भाई देवघर में ये रहता है, इसको यहीं का लोकेशन नहीं पता, ये भी गूगल मैप की तरह रॉन्ग रूट बता रहा था। तब चलिए थोड़ा नाश्ता करते हैं, उसके बाद आगे का आपको दिखाते हैं पहाड़ पर चढ़ने के बाद का सीन। पैसा कितना लीजिएगा? 1000 फीट हम लोग ले जाते हैं तो 150 रुपये लेते। पहाड़ पर घुमाने का कितना लीजिएगा डायरेक्ट? 1000 फीट जाइएगा 300 टका लगेगा। पहाड़ है सर 5500 फीट। हाँ, लेकिन हम घुमा के तो अब नीचे पे साल लेंगे, वहाँ थोड़े लेंगे। हाँ, तो एक बार बोलिए कितना क्या हिसाब दीजिएगा, हम लोग का एक बार मन जाते हैं ना। कुछ होगा तो बोलिए। कितना बोल रहा पंकज भाई? ठीक है, मुनाफा 100 रुपये दे। चल 100 रुपये दे ले। 1000 फीट जाएंगे हम 100 टका लेंगे। नहीं नहीं, चलिए ना, 2000 फीट जाइएगा तो 200 रुपये लगेगा। फीट हम लोग चढ़ेंगे 5000, आप बता दीजिए कितना लीजिएगा। 5500 फीट का 550 टका दीजिए। तो ये एंट्री है भाई, और यहाँ पे बंदर का ही डर है, बाकी और कोई तो डर नहीं है। बोले तो हाँ, 200 में नहीं होगा?
नहीं फंसाता है बाबू, बहुत डेंजरस रास्ता है। डेंजरस नहीं करता उधर तो, अभी इतना जंगल हो गया आदमी नहीं चढ़ता। हम लोग चढ़ेंगे ना, आप चढ़वाइए, आप कल ही साथ में चलिए। हम लोग आपको ले जा रहे हैं सिर्फ बंदर के। 100 आदमी जाएगा सर, ये उतने पैसा लगेगा। एक आदमी जाएगा उतने पैसा लगेगा। कितना लास्ट कितना बोले थे? 400 300 ले जाते बोले, 350 उससे अब हम बढ़ेंगे नहीं, 1 रुपए तक नहीं बढ़ेंगे, 1 रुपए भी नहीं बढ़ेंगे। अच्छा पानी का बोतल है? पानी उनी सब लिए हैं, और एक ही बोतल है ना, 2 बोतल तो लाना चाहिए थे। यहाँ पे सब दुकान है भाई, गन्ना जूस वगैरह, पर्स वगैरह, शॉपिंग वगैरह का भी सब चीज़ है, बस बंदर का ही है। और यहाँ पे बंदर लोग मोबाइल ना छीन ले भाई। कितना बोल रहे इतना का? 1 किलो का 120। 1 किलो पागल है, हम लोग उतना निकलाना है। इसका कितना बोल रहे हैं? 30 रुपये। अरे ठीक है लो ना यार, चलो गलत नहीं भाई। 30 का चना ये बंदर जी के लिए। ओए देखिए चना खाइए, आ गए सब बंदर, बस मोबाइल ना छीनिए। गजब, सही सही सही, बाबू है सब। अरे यही खिलाने के लिए ऊपर खिलाना है? यही थोड़ा ले लीजिएगा, उधर ही अलग पार्टी। तो खाली यही खिलाने के लिए बोल रहे थे? अलग पार्टी आश्रम में ना, अलग पार्टी। क्या अलग पार्टी? ये लोग नहीं जाने देता, वो लोग ये लोग खाएगा तो झगड़ा कर। तो आधा उधर के लिए रख दीजिएगा उसमें से। 12 बजे दिन को बंदर लोग स्नान करते हैं इसमें। अच्छा यहाँ का गाइड का कहना है कि आप ये सामने में जो तालाब देख रहे हैं, 12 बजे दिन में यहाँ पे सब बंदर आके इसी में नहाते हैं। और अभी से सांस फूलने चालू हो गया, 2 मिनट भी नहीं चले। लगता है मास्क हटाना पड़ेगा। मास्क हटा लीजिए भाई, डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई ये पहाड़ 5,500 मीटर ऊँचा है। 3 पर्वत है सर, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, इसके नाम त्रिकुट पड़ता है। बहुत बड़ा है। हाँ, 5,500 फीट ऊंचा है ना। हाँ। है, 12 बीघा मैदान है। समतल मंदिर बल के नहीं है, समतल देखने में आपको आनंद मिलेगा। असल देखिए रुपये चलता है ना, वहाँ का किराया अभी 130 टका है जाने आने का, लेकिन अभी नहीं रुपये अभी। अच्छा ऊपर वाला जो था तार घीचा है, तार दिखाई दे रहा है। तो अभी डोली तो बंद है क्या? अभी बंद है सर, अभी लोग नहीं आते हैं ज़्यादा। यहाँ मंदिर तो रास्ता ठीक है, उसके बाद रास्ता उधर बहुत जंगल झाड़ भी गया, आदमी चढ़ते नहीं करता। अभी जाने से कोई दिक्कत नहीं है? बहुत दिक्कत नहीं। यहाँ से नीचे इधर जूता जूता कहाँ खोले? मंदिर जो है मंदिर में जाने के लिए ना खोलना है? हाँ, तो नहीं जानेंगे तो नहीं जाएंगे, नहीं खोलना है। पानी मिलेगा झरना वाला, नहीं तो उधर ऊपर नहीं करेगा पानी। कहाँ है पानी ठो? वहाँ पर झरना था। अच्छा ये वाला ठो? हाँ, पेट के लिए अच्छा पानी। पानी तो है ना भाई, प्रणाम करके इधर से निकलेंगे हम लोग। तो वहाँ जाना नहीं, जूता कोई खोलना नहीं चाहता क्योंकि टाइम नहीं है अभी, खोलना पहनने में 10 मिनट लग जाएगा। चलिए इधर से कल्टी मारते। आप पंकज भाई कैसा लग रहा है यार, बोलो। अच्छा सुनिए, हाँ सुनाइए। आश्रम से जाइएगा, इधर से घूमना पड़ेगा बहुत। आश्रम इधर है, आश्रम से घूम करके तब दूसरा पहाड़ से तब चोटी जाइएगा। तो किधर से ले जाइएगा? आप शॉर्ट में अच्छा रहेगा, जहाँ पे बढ़िया बढ़िया चीज देखने मिल जाए वो चीज, वो सब जगह चलिए। ऑटो के लिए खाली पहाड़ पर्वत मिलेगा, सीन मिलेगा आपको, वहाँ ले जा रहे हैं। हाँ सीन ही ले जाइए। ये बोलिएगा हमको आश्रम ने दिखाया है। आश्रम क्या चीज का है? दयानंद बाबा का है। अच्छा परिसु जिला मकान अंधकड़े दिखा देते हैं ऊपर में एकदम। रुके रुके रुके, पंकज पंकज का इसको ले ले, बसंत पकड़ेगा बैग, दे दे दे, पकड़ना थोड़ा सा लेंगे। चलो चलो चल लेंगे साथ। पंकज का पहले स्पॉट है।
अभी से सांस फूल रहा है, 5,500 फिर आधा लद्दाख का ऊंचाई तो पहुंच ही जाएंगे। खिला दीजिए नहीं रुका थोड़ा सा, चलो उधर भी दे दो, उधर भी दे, बड़का आ बड़ा मार देगा। आइए आइए आप इधर आइए, कहानी खत्म होगा मेरा लग रहा है। इसमें जाना है आज भाई, सबसे ज्यादा पंकज का फटा पड़ा है बंदर के डर से। बोरा जल्दी निकल, बंदर के डर से फटा पड़ा। देखिए किसी के हाथ में डंडा नहीं है सिवाय गाइड के, पंकज के हाथ में डंडा है, क्यों भाई खुद से बता दो। फट गया पंकज का, फट गया है भाई। एक्शन कैमरा होना चाहिए था क्योंकि वीडियो बहुत हिल रहा है, चारों तरफ जंगल, चारों तरफ जंगल ही जंगल, जंगल है। ये लग रहा सुंदरबन का जंगल है, पहाड़ चढ़ाई। और भाई सांस सबका फूल रहा है, खाली पेट है। हम लोग सुबह का वही जो नाश्ता खाए थे वही है बस। फुल पार में। अबे तू स्पेशल आदमी है, चल चल आज का अभी उतरते के साथ। एडवेंचर का मजा ले रहे हैं ये आएगा भाई, आएगा, रुक जा, तेरे घर में दिखाएंगे। कैमरा चलते पीछे हो जा रहे हैं। आएंगे भाई आएंगे, पारस ना तो जो भी हो आएंगे। वही तो मुंह फूट जाएगा, मेरा वाला तो स्लिप है, तोरो जूता स्लिप करी साहब। मैन वर्सेस वाइल्ड हो गया, फोटो नहीं। मेरा नहीं आ रहा, मेरा नहीं आ रहा, मेरा। हाँ क्या बोल रहा था भाई, बोल भाई। खराब हुआ? हाँ भाई खराब हो गया, पर करेंगे यार। ये थोड़ा खा के आते तो पता नहीं चलता, पर भूख लगा यार। भाई इसमें मोटा मोटा सांप लगा। ओ माय गॉड, बस निकल ना जाए। ओए पहाड़ क्या काटा, सांप नहीं ना काटा, चीटा उटा काटा, जंगली चीटा। जल्दी चल, भूल जाएंगे किधर से गया, आवाज भी नहीं आ रहा उन लोग का। दो दस से चढ़ाई शुरू किए थे और लगभग 4,000 फीट ऊंचा आ चुके हैं, और अभी कितना बज रहा भाई, 3:10 हो गया है, 3:17, 1 घंटे से ऊपर है, 3:17। तो ये जो लोकेशन है आप मैप में डालेंगे, देवघर झारखंड का लोकेशन है, त्रिकुटी पर्वत का नाम है, त्रिकुटी पहाड़, त्रिकुटी पर्वत, जो भी आप डालेंगे लोकेशन गूगल मैप में आपको लोकेशन मिल जाएगा। तीनों पत्थर का मेल है और ये काफ़ी लंबा चौड़ा है, और जो पूरे टॉप पे हम लोग जाएंगे तो यहाँ से भागलपुर का साइट सीन देखने को मिलेगा। जाने के बाद पता चलता है कैमरा में कितना आता है। अगर आप ये सोच के नहीं आना चाहते कि भाई इतना पहाड़ के ऊपर कौन चलेगा, तो भाई आइए, मज़ा लीजिए, इसका भी एक अलग ही मज़ा है। आराम तो आप हमेशा ही करते हैं, कभी ऐसा भी एडवेंचर करके देखिए। रात हो जाएगा भाई,
अब मेरा बाइक का हाई बीम भी खराब है, ज़्यादा दिखाई नहीं देगा, लो बीम ही। हाँ चलो चलिए। नहीं चढ़ पाता, चौड़ा चौड़ा पैंट देखकर खोलने को बोलता। मुझे लगता है सही बोलता है कुछ करना। जींस नहीं चढ़, जींस जींस तो भींग गया मेरा, हालत खराब हुआ भाई। अब तो मत चलने के लायक नहीं बचा। हाफ पैंट पहनने मन कर रहा ना? बिल्कुल सही बोला। आदि मानव वाला गेटअप में आ जा। फ्री तेरा चेहरा भाई, पंकज फ्री है, उसका वाट नहीं लगा, लग रहा आप नहीं रहे। साला जींस पकड़ लिया है। तेरा चेहरा तो वही जान रहा। फटका हाथ मार लो। साले भाई डंटा चाहिए क्या? यस वन मैन आर्मी कमांडो ट्रेनिंग। अभी और जल्दी थक जाएगा, ऐसे ही फटा पड़ा। उतर लग रहा अब हम नहीं चल सकते। मेरा भी वही हाल है। हम तो बोले अपना अपना अपने घर पर फोन लगाओ तो लाएंगे। हाँ लाएंगे, सही बात है। बसंत के घर रुकेंगे। ओह यहाँ से आ रहा पहाड़। इतना हालत खराब करके इतना दूर बाइक चलाना, नहीं लग रहा सो जाएंगे। वन मैन आर्मी है ये, पहले जाके पोज दे रहा, फोटो का बहुत शौक है। कन्या चाहिए क्या बबुआ? जाते हुए और पूरा थकते हुए और मिस्टर गौंड संदीप 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 और हमारे बसंत दास ट्रैवल करते हुए त्रिकुट बाबा के पास और ढिमलाते हुए वहाँ का भी ले ले। क्या बोलेगा जो बोल रहा था? जूली बोल, हम रिप्लाई देंगे। जूली 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 अब उधर कर ले, उधर कर ले। हाँ कैमरा उधर किया जाए। ये हमारी आखिरी सीमा त्रिकुट बाबा, बहुत ऊपर आ गए भाई, देख सकते हैं आसमान को छू रहे। 5,500 फीट पहली बार चारों भाई ने एक साथ कंप्लीट किया है, हालत पूरा खराब है। फोटो लेने लग गया, पर जो भी हो मजा आ रहा है, इसी के लिए तो आए थे। कुत्ते जैसा हाथ रहे। स्पाइडरमैन इज बैक। देख रहे हो पहाड़, उसे थोड़ा सा नीचे है पर उससे ऊंचा जा रहा है, पर बहुत ऊपर है भाई। यही लास्ट है क्या? नहीं ऊपर है और है। और देखिए चट्टान देख रहे हैं, पत्थर का चट्टान जो घास की तरह दिख रहा है ना, वही संजीवन बूटी है। संजीवन बूटी तो हम आ गए अभी 3,000 फीट और यहाँ से देख रहे, ये रुपये है, यहाँ से देखिए बहुत ऊपर से, यहाँ से ऐसे इधर जाता है। तो तू गाते चल, गाना बजा, मोबाइल में गाना लगा। हवे पंकज मोबाइल में गाना लगा। जाने तू कहाँ जंगल में, चारों का पहली बार है इतना ऊंचा, इतना लंबा और इतना डेंजर पहाड़ पे पहली बार। और
यहाँ पे सबकी हालत खराब होते हुए, लेकिन मेरा नहीं हुआ अभी तक, सिवाय बंदरों के। ऐसा पहाड़ पे आया था पहले कभी? ऐसा पहाड़ पे कभी नहीं आया, लेकिन विनोद आ गया पीछे। अब विनोद चोंच है यार, उधर चोंच पंख है, इधर पंख है, दूसरे में नहीं देख रहे है ना। मचाले अरे रूबी का ये रहा। वेलकम टू RWB हरिया फास्ट। ये सेल्फी लेते हुए मिस्टर संदीप गौड़, वहाँ पे हमारे गाइड और बसंत दास आ सबके गांव में पास। चलो जल्दी जल्दी चलो। ये हाथी, यहाँ से वहाँ तक दो तब पूरा मूवमेंट को। हाँ, वहाँ माथा जैसा लग रहा है वैसा है। एक्चुअली पहाड़ी नाम हाथी का दे दिया गया है, पत्थर ही और इसको हाथी पत्थर बोलते हैं। धूप भी हो गया, पसीना भी हो रहा है। आप तो वहाँ से आपकी पहली फटी है। अभी थोड़ा पंकज भाई फ्री हुआ है, नहीं तो उसका बंदस फटा था, बोलता था हमको बीच में रख। अब बसंत का भी वही हाल है। जय हो राइड विद बाइक। बहुत ऊपर। दौड़ के भाग रहा है। अभी तू स्लिप करेगा एकदम नीचे आ जाएगा। मेरा भी अभी वही बोलने वाले थे। हाँ भाई जरूर आ रहा है, आ रहा है, घर में दिखाने काम आएगा। चलिए चलिए भैया, चलिए चलिए भाई। बसंत का ज़्यादा आना चाहिए, नया शादी हो, इसको वाइफ तो देखे कम से कम वीडियो। ये देखता नहीं है, कम से कम बसंत को देखने के चलते मेरा वीडियो तो देख ले। रहा बात मेरी वाइफ का तो मैं उसको फोन ही नहीं देता सारा। ए मारेंगे ना। बेगवा छीनने का है ना, तेरा पकड़ रहा था इसीलिए हम बोले, खींचना चाह रहा था। बाइक के साथ हेलमेट पार्किंग में लगा दिए और पार्किंग का चार्ज है 20 रुपये पर बाइक। और बसंत भाई तो बोल रहा था कि 10 रुपये है, पर जो पार्किंग वाले लोग हैं वो बोल रहे थे भाई 6 साल से 20 रुपये ही हैं। तो पता नहीं बसंत कहाँ पे 10 रुपये में पार्किंग करवाता था। हाँ इसमें समझ में नहीं आ रहा, बहुत दूर आ गए। लॉकडाउन में एक से तो कम आ रहा है, इसलिए सोच रहा डबल ले लें। आवाज सुन के बंदर आ रहा है, देखिए पीछे बंदर है। कौन मैं? तो और नहीं था, हालत खराब हो गई है। आईना कोंडा का माई। उस पे जाएंगे। चलो है ना? 5 स्टार है कभी। घर से फोन आ रहा बार बार। बैठेंगे सोएंगे। अब आता देख तो फोन में आता है। मत बोल फालतू है सब।
लोगों को है कहना झारखंड चल रहा तेज। अबे अरे होल्ड ऑन तेरा ऐसा हिंदी ठीक से समझ ही नहीं रहा, इंग्लिश बतिया रहा। आ गया डंटा मार, डंटवा दे ही रे हमरा। लाल है यार, अरे बहुत सारा चिमड़ा दूंगा, इसीलिए तुम डर रहे नहीं, समझ नहीं रहा जल्दी। आप बोल रहे लगनिया बंदर का सबसे खराब आदत ये आएगा। डाउन है, ये मत सोचियो कि आए उठ मेरा जोश में खाली होश मत खो बैठिएगा, खो देंगे हम। किधर गए हो? नहीं खोइए धान का खेती देखिए कितना होता है। कैमरा ले भाई, कैमरा ले तो उससे ले। अरे यार अपना गाइड वर्क छोड़ दिएगा, मजा आ रहा ना। देखिए कहाँ है ये रहा, चल हाथ तारुख में बन जा किरण। ये देखिए कहाँ दूर दूर तक नीचे घर दिख रहा है और हम लोग कहाँ है। ये रहा पहाड़, चलो यार मंदिर आसमान देखने लग रहा पहाड़। एरोप्लेन का सीन आ रहा है ऐसा लग रहा, पहली बार एरोप्लेन पे भी नहीं चढ़ा पर पहली बार जिंदगी में इतना ऊपर आए भाई। यहाँ पे भी छोटा सा पहाड़, बहुत दूर, लगभग 5,000 फीट तो ऊपर आ ही चुके हैं। वहाँ पे आराम मिला था और फिर फट गया। दो दिन ड्यूटी एब्सेंट लग रहा रे, ऑब्वियस नजर आ रहा दो दिन ड्यूटी एब्सेंट। आज तो घर पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे ये मुश्किल लग रहा, फट गया। डल्ला सब उस एरिया में घूमे, सीढ़ी यहाँ पे बना हुआ। हाँ भाई ये है रजत आरकेपी शर्ट पैंट खोलते हुए। पैंट नहीं खोलेंगे। खाबे आरकेपी का एक्सीडेंट एक बार पहाड़ से नीचे की ओर, तेरा हर सब फ्लॉप फ्लॉप। पूरा खतरनाक एक्सपीरियंस है भाई, फट जा रहा है, एनर्जी लॉस, एनर्जी सारा खत्म, पैर का हालत भी खत्म, पूरा बॉडी का हालत है, तुम जान नहीं है। चल भाई चल, मेरा भी वही हाल है। भाई डंटा देना यार, और कैमरा पकड़ कोई। गार्ड जी आप नहीं थके हैं क्या अब तक? रखना पड़ रहा है। कितना चढ़ रहा है? लोग 200 किलोमीटर बाइक चला के आए। पूरा भागलपुर एरिया है। देखिए गार्ड जी हमारे बैग को थोड़ा, हम लोग टांग रहे हो गया तो गार्ड साहब ने हमारा बैग ले लिया है। दिल से थैंक यू यार, वन मैन आर्मी उधर है। पी रख लीजिए,
ही मीन्स पासवान। नहीं चलिए कोई दिक्कत नहीं। ये सब सीन तो मूवी में देखे थे यार। किसके वजह से पॉसिबल हुआ? आरकेपी की वजह से, के राइट विद बैक चैनल के और आप लोग की सहायता की वजह। इधर का नीचे से आ रहा पूरा ऊपर तक, यहाँ से ठीक आ जाएगा। देखना ऊपर। हाँ ठीक। अभी कैमरामैन बसंत बना हुआ है, मैं थक गया। अभी बसंत कैमरामैन है, बारी बारी सब कोई कैमरामैन बना था, बनना पड़ रहा भाई, थक के चूर हो चुका हूँ। और अगर आप लोग को हमारा फटते हुए देख के मजा आ रहा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और बेल आइकन साथ में एक बार जरूर प्रेस करें। जो घंटी होता है ऐसे वाला वो, और उधर का सीन देखिए, नीचे करके थोड़ा बादल तो दिखाई दे रहा है, वहाँ से नीचे देख रहे होंगे सारा छोटा छोटा पूरा दिखाई दे रहा है सारा चीज़। यहाँ पे आ रहा ये जो बीच में खाली जगह देख रहे, छोटा छोटा ये सब जानवर, सारा घर बना पड़ा है यार। ये जहाँ तक देखेंगे एकदम आसमान में आ गए हैं भाई, ऐसा लग रहा है, लग रहा है स्काई ड्राइविंग करने वाले हैं। बस सही, आसमान नीचे जमीन ऊपर हम आसमान में, आसमान तो बीच में रह जाए। चलो जा लो देख के। हाँ लकड़ी तो ले ले, एक हाथ से गिरे पकड़ लेता। ओ भाई 500 ले ले। हाँ भाई 6 घंटे का राइडिंग करने के बाद कैसा लग रहा भाई यहाँ पहुँचने के बाद? संदीप से जान लेते पहले अनुभव। गुड फीलिंग्स बट हेल्थ इज वेरी अनकॉन्शियस। ये फीलिंग्स बहुत ही अच्छा रहा। हम लोग सुबह ही निकले थे समथिंग 7:30 के आसपास, मजा नहीं आ रहा था ना, और अभी तक का टाइम आ रहा है, सर्वाइव हम लोग कर चुके हैं समथिंग। आज हो गया 3:30 के आसपास हो रहा होगा, अभी देखा मैंने, अभी देखा। घर आ गए 4 बजने वाला, मतलब हुआ जितना फीलिंग्स था एक्सपीरियंस जितना हुआ विचित्र लाइफ में पहली बार। सो गुड एंड वेरी गुड। पौधा कितना छोटा लग रहा है यार। आए इधर देखिए सर, इधर आइए, इधर निकल गए। गाय कितना गदा है वहाँ, गाय जितने अभी थकावट सदा सदा देख रहे हो, ये सब देखने इधर इधर रास्ता जो देख सब खत्म, इसे रास्ता है इधर, हैप्पी फील कर रहा हूं। ये गदा जो गाय है वहाँ, और हम लोग भाई सुबह में 4:30 बजे का उठा था और भाई को मैंने 3-4 बार कॉल किया था, भाई ने उठाया नहीं, मैसेज भी डाला था कि भाई जाना है। एक्चुअली प्लान था हमारा त्रिपुरा का, पर वो हमने मैप डाला था तो पहले तो वो नज़दीक दिखा रहा था 225 किलोमीटर समथिंग, पर जब ओरिजिनल पिन कोड के साथ हमने डाला तो वो 1400 किलोमीटर कुछ आसपास दिखा रहा था हमारे घर से। तो हमने सडनली 6:30 बजे भाई ने फिर उठा तो फ़ोन किया तो हम लोग आए, फिर वहाँ से अचानक प्लान किए कि भाई कहीं चलते हैं, त्रिपुरा नहीं जा सकते तो कहीं चलते हैं। तो संदीप भाई ने आइडिया दिया कि भाई देवघर चलते हैं त्रिकुट पर्वत पे। तो भाई 6 घंटा का जो स्ट्रगल था हमारा राइड हमने किया वो बोर वाला था, बहुत खतरनाक, मतलब कीचड़ धूल मिट्टी सबसे हम लोग होके आए हुए हैं, पर ये सीन देखने के बाद कुछ नहीं है भाई, सच बोलो कैमरा में मज़ा नहीं आ रहा, पर रियल में जब आएंगे ना तो भाई मानना पड़ेगा। यहाँ पंकज भाई 100 के फोटो शूट कर रहे हैं और यहाँ से देखिए इधर ये सारा पहाड़, और भाई सही बता तो मस्त सीन आ रहा है। बसंत भाई आपका क्या कहना है? जबरदस्त भाई। हमने आपको कहाँ से पिक किया? देवघर नंदन पहाड़, और घूमने के बाद जबरदस्त का फीलिंग्स रहा और एक नंबर जिसको बोल सकते। और आपको विश्वास था कि हम लोग आ रहे हैं? मुझे तो एक बार भी बिलीव नहीं हुआ कि सच में। तो आपको कैसे पता चला कि हम आ रहे हैं आपके पास, मतलब हमने फोन इन किया होगा? तो उससे पहले मैंने आपको फोन किया था, आप सोच रहे होंगे कि मजाक कर रहा हूँ। बिल्कुल। ऐसा क्यों भाई? मजाक करते रहता है इसलिए, क्योंकि तुम हमेशा मजाक पे ही सीरियस कर लेते हो। तो भाई मजाक करते रहे तभी एंजॉयमेंट नहीं, इतना ऊपर हम चढ़ नहीं पाते, और यहाँ का सीन कुछ अलग ही मजा है भाई, एकदम नीचे सारा दिखाई दे रहा है। लग रहा भाई की धीरे धीरे
Cheers. के साथ सही एक बार आजा भाई आसमान के साथ चल बैकअप आगे के लिए एनर्जी आ गया फटेगा झरने में इतना दूर आ गए भाई अब चढ़िए जाओ फिर बाई से इतना ऊपर कौन आने का हिम्मत नहीं करेगा फिर अब थोड़ा दूर रहेंगे तो चलते हैं टॉप पे पहुंच के तो आएंगे रिकॉर्ड करके आ जाते हैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत दूर फीलिंग आ रहा है याद आ गया होगा आपको ऐसा सीन देख के कि भाई 200 ले ले 500 ले ले उतार दे वाला फीलिंग आराम के बाद ना फिर कुछ करने मन नहीं कर रहा चढ़ने का ये जो है हम लोग आखिरी छोर पर जा रहे हैं अब हम लोग चोटी के आखिरी छोर पे पहुंचने वाले हैं रिकॉर्ड करेंगे भाई बहुत कम लोग ही इतने 5,500 रुपये ऊपर आते हैं कुछ पल और वेट कर लीजिए उसके बाद दिखाते हैं व्यू कम तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा जितना ज़्यादा हो शेयर करते रहिएगा और आप लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है सच बोले तो भाई रुकने के बाद फिर से चढ़ने का मन नहीं कर रहा थकान महसूस हो रहा है वहाँ पे तो आराम हो जा रहा है और फिर चढ़ने का मन नहीं कर रहा रोपवे भी देख लेंगे मतलब रोपवे का मजा लेना है तो इतना ऊपर तो आना होगा भाई 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 ले चलो जाए अभी उतना तो फाना कैसे बे फाने की कोशिश मत करो भाई अरे भाई से भाई से भाई का इधर भी आसमान धीरे धीरे इधर भी चेहरा एक बार दिखा दीजिए हाइट कम लग रहा है मैंने मोबाइल तो सीधा कर दिया और घुमा ले और के पीछे भी ले 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 नहीं यहीं के चढ़ रहा हूं सीधा स्लिप कर देता एक बार सोने दे हमको ये ना क्लिक हो जाएगा ओ वही नहीं तो देख तो कहां रखा अच्छा उनके पास है पानी पानी थक गया तू बोल पूरा तरह से यार तू शुद्ध पानी है मच्छर नहीं काट फोटो यार वीडियो तू लो पानी पिएंगे उसके बाद अब आगे जाएंगे अनुभव देखो उधर देखो उधर देख आराम से जल्दी भाई बैग लेगा ठीक जंप के पकड़ लिया हां वीडियो आया है पकड़ लेना आगे आ जा पकड़ लेना तू बेटा हम ही को ले लेंगे राव 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 रावड़ी रावड़ी राठौड़ पानी रहता है कोई दिक्कत नहीं चलो 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 बंडो से तो ज्ञान छूटा
अब ऊपर पानी पी। यहाँ भी कोई बहुत लोग बैठा है, देख बोतल है पानी का, पानी के बोतल चलते के नाम जिंदगी क्या, यहाँ से खा के जाएंगे भाई रास्ता में फिर। अभी क्या मिलेगा बे? भाई तो उस टाइम मिलता। अरे देखेंगे कुछ मिलेगा देखेंगे। अरे मस्त हमको तो बिल्कुल लग रहा है मजाक कर बाया से आना भाई बाया से झुकते आइएगा। हाँ यार तेरे नाम आ गए तेरे नाम हेयर कट। हाँ भाई, हाँ भाई बूट बूट ही सब में ठीक चल रहा पक्का पे। हाँ यहाँ पे कम चलता होगा, बहुत कम ही लोग इतना ऊपर आएगा। वहाँ जो देखने आता स्पेशल यहीं आइए सकता है। हाँ बिक्री खाए के भी खरीदा ये जाइए कोल्ड ड्रिंक्स वोल्ड ड्रिंक्स। यहाँ पे सारा दुकान था, ये सारा भी लॉकडाउन की वजह से बंद है क्योंकि टूरिस्ट का भी कम आ रहे हैं यहाँ पे। हो तो हाँ लग नहीं रहा कि पहाड़ पे आए या पर्वत पे आए। रुबू है यहीं से जाएगा। फोन में नेटवर्क आ रहा देख तो फुल। ये रुबू है, रुबू है यहाँ जाने। फोटो ले बढ़िया से मोबाइल। पानी तो कहाँ बोल रहे थे पीने का पानी तो उधर नहीं है, इधर ऊपर में पानी प्यास लगा सबको और हमने गलती ये किया। पानी प्यास लगा है भाई सबको, हमने गलती ये किया कि एक ही बोतल पानी लिए थे वो भी एक लीटर वाला, तो इतना बचा था एक एक घुट सबने मारा। जैसे तैसे गांव का बल जल गया है। पंखा का काम इसका लोड ज्यादा बढ़ गया। कल बना के देगा तो गाड़ी छोड़ दे तू आ जा। बस नहीं चल रहा है लोग। उधर से देखने में कैसा लग रहा था? कुर्सी भी है भाई बैठ के छोड़ देता तू। चल ये वहां गोल पत्थर भाई चल ये इधर प्लेट मत। चल 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 कैमरा ले ले हम भी आ रहे हैं। देख ये को पैर रहा है। अबे इस पकड़ के तो ढकेला ना। वो कहाँ ढकेला? हम तो सपोर्ट दे बाहर में रोक लिया। चल ले कैमरा ले कैमरा मजा है। तेरा जूता नहीं होगा
रुक जा रुक जा, हाथ दे, सीन लेते रहना। बंदर आ गया, कैसे करके आया था ऐसे? ओम नमः शिवाय। ले उनको पकड़, आप पकड़े, बैग तो रख दीजिए, बैग तो रख दीजिए। ना हम यहीं से बैग पकड़ेंगे। जान बनेंगे डॉन, जान बनेंगे डॉन। टिक 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 टिक। हाय, ओ हाय भाई। चढ़िए इस पर, देखो हमको दीजिए। ये बैग? नहीं नहीं, फेंक देना ऊपर। नहीं नहीं, ना पड़ेगा ना यार, पिछलने का भी डर लगा दे। जूता स्लिप करे, खोल लेंगे। चढ़ जा जंप कर। साला देखने में लग रहा चढ़ जाएंगे, पर जब चढ़ने जाओ ना। जी अब जी। हट ना रे, तू साला हट बे, तू हट के ला रहा है। इसमें घुसिए, पबजी तेला उल्टा का घुसा बे। ये बोल रहे इधर से जाना है। नहीं नहीं, चल उधर से जाना है। इधर घुस, ये पार हो जाए, तो निकल, चल उसके बाद पार आ जाइए। पबजी बहुत खेलता है, एनिमी छुपा रहता है तो ऐसे निकलता है। आप शाबाश, बस भाई बस, बस सही गर्दा, मजा आया। बस आ जा, नहीं बनाए पीछे मुँह यार, उधर से आना, उधर बंदे का प्लान अच्छा है। हट रहा भाई, अबे मैं कहाँ रहा? मुंडी बचा के, मुंडी बचा के। उधर बोले उधर, तो वाला सीधा। यहाँ पे केकड़ा में नहाते हुए यहाँ पे, पर भाई मजा ही कुछ और है, और ठंडा भी बहुत है, मजा आ रहा। ठंडा पानी का प्यास आ गया, ठंडा हवा भी लग रहा है। आ जाओ, आ जाओ, निकल निकल, देखना रुक के थोड़ा आ जाइए साथ में, हमरा निकल लेंगे। इधर आना पड़ेगा, उधर से फंस जाएगा बे, फंस जाएगा तू। ठीक, उधर से पूरा, उधर से, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से उधर फंस जाएगा। किधर है? हां निकल जाएगा, निकल जाएगा, इधर से तू निकल जाएगा। इतना मोटा है कि फंस। कैमरामैन साहब, खिलाड़ी खिलाड़ियों का वाह, ललका गड़िया संजीव भाई निकल गया। यहाँ पुशअप देते हुए फुल गया बटन, पुशअप मारते हुए मजा कुछ अलग। ये रहा पहाड़, ये बहुत विशाल पहाड़, इसके विशाल पहाड़ के बाद ये। वीडियो हो रहा, यहाँ का एक्सपीरियंस जान लिया जाए सबसे, तो संदीप भाई से पहले जान लेते हैं कैसा लगा भाई। अमेजिंग, रियली अमेजिंग फीलिंग्स। एक बार आना, सब साथ में रहना, पर ही पूछा जाएगा। हम तो आशा, हम चाहेंगे कि आप लोग भी आकर कि इस स्पेशली इस चीज़ का मजा लीजिए, जो फीलिंग हम की बहुत अच्छा लगा। और बसंत भाई, भाई मेरा आज तक ऐसा कभी फीलिंग्स नहीं था, जब इसके अंदर से आए वो रियली अमेजिंग था। It's amazing guy who's this looking for me. Andu Gandu Pandu. देख भाई पीछे ज़्यादा मत जा। Thank you भाई। आपका भाई experience? आपने कभी सोचा था ऐसा दिन और ऐसा सीन देखने को मिलेगा? प्रधान जी, हम गुटका खा रहे हैं आपके। भाई मजा बहुत आया और मेहनत भी बहुत लग रहा है। हमको जाना है। भाई सबका है, हम अकेले नहीं, सबका हम लोग को फटाफड़ा है। कभी नहीं सोचे थे यार, इसीलिए बोलते कभी सुसाइड मत करो, जिंदगी रहा तो भाई एक से एक सीन देखने को मिलता जो कभी सोचे नहीं थे। हम चारों ने भी सही में कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन आएगा, चैनल भी बनेगा और ऐसा सीन भी और ऐसा जगह भी जाएंगे। कभी इमेजिंग भी नहीं किया, सोचे भी नहीं थे और जानते भी नहीं थे कि यहाँ पर ऐसा चीज़ है और ऐसा सीन है। आने के बाद सब चीज़ होता है, तो हौसला बनाए रखें। कूद नहीं पाएगा उतना नीचे भाई, ढलान है ना 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 ना, रिस्क मत ले, बहुत है बहुत है। ये सब जगह कॉन्शियस ज्यादा रखो, आराम से उतरो, ऐसा लग रहा बहुत है, हाइट बहुत है, पत्थर भी है ना, जोश में होश नहीं खोना है।
यही तो हम लोग का खिलाड़ी है, बुद्धि लगा तब से हम सोच लेते यहाँ से वहाँ कूदे वहाँ से फिर हम लोग टाइम चले जाते। बस पैर अच्छा से वहाँ पे लगाना। हाँ हाँ खेल कर तो दिमाग कहाँ रखता, फोन कौन कैच करेगा। वहाँ घंटा लेके आइएगा, अरे जूता छिनका है ले लीजिए। अब जो ये देख रहे हैं यहाँ पे पहले थे, यहाँ से अभी हम यहाँ पे उतरे हुए हैं, यहाँ कम से कम अभी हम 45 मिनट नीचे आ चुके हैं। गार्ड साहब को 45 मिनट नीचे आने के बाद अभी भी हम आधा पहुँचे हुए हैं। वहाँ से आने में कितना, सिर्फ 45 मिनट अभी और आधा जाना है, अभी आधा पे हम लोग हैं, अभी और आधा नीचे जाना है और हालत खराब है और टाइम हो गया 5:30। 4:40 में ही निकले थे, इसलिए एक्सपीरियंस हो गया उनका। पानी सही लगा था, गंदा थोड़ा कुछ सही। थकने के बाद का दिन भर का खाना यही है और टाइम हो गया 6:30। अब आगे का आपको आगे दिखाएंगे, घर पहुँचने का खाना दिखा देंगे। भुजिया, सोयाबीन आलू सब्जी, दाल रोटी, प्याज, आगे देखिए आप।